हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ड्रामे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एलिस को ट्री के ऊपर देखते हैं। वो बर्ड नेस्ट की पिक्चर लेना चाहती है, उसे पिक्चर्स लेना पसंद है। तभी उसकी नज़र पड़ती है पार्क में मौजूद एक हैंडसम बॉय पे जो बुक रीड कर रहा है। एलिस उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करती है कि तभी वो ट्री से स्लिप होके नीचे गिर पड़ती है। एसन और जैसन उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एलिस को दिमाग की चोट लगी है। जब वो होश में आती है तो उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तुम 6 months पहले ट्री से गिर पड़ी थी, शायद तुम्हें याद ना हो क्योंकि तुम्हारी मेमोरी चली गई है। मैं अब्रॉड जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दोनों सिस्टर्स गले मिलते हैं। एलिस को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ क्यों याद नहीं है। सिस्टर उसे गुड बाय कह के चली जाती है, जिसके बाद एलिस रोने लगती है। उसकी आंटी उसे दिलासा देती है। नेक्स्ट डे जब एलिस स्कूल वैन में जा रही होती है तो तभी वो रोने लगती है। सब उसे कहते हैं कि चुप करो, सर में दर्द हो गया है। आखिरकार सब मिलके उसके मुंह में मार्शमेलो डालते हैं ताकि वो चुप करे, रोना धोना बंद करे। क्लास में टीचर एलिस से सवाल पूछता है। एलिस जवाब नहीं दे पाती और वो इमोशनल होके कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी है, अब मैं क्या करूं। वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहीं पे एस्टन आता है जिसका स्कूल में पहला दिन है आज। एलिस उसे देख के बेहोश हो जाती है, जिसके बाद एस्टन सोचता है कि इसे क्या हो गया। जब एलिस होश में आती है तो जैसन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, मुझे पहचानो, मैं जैसन हूँ। एलिस उठ के उससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में लिख रखा है डायरी में। दरअसल गजनी मूवी की तरह एलिस भी याददाश्त जाने के बाद सब कुछ डायरी में लिखती है। एलिस जैसन से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने उस दिन मुझे सेव किया। तभी डायरी से एलिस को पता चलता है कि ओह नो, आज तो उसकी आइसक्रीम डेट है थॉमस के साथ। वो बिस्तर से उठ के भागती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो थॉमस से कहती है कि आज हमारी आइसक्रीम डेट है। थॉमस उसे कहता है कि भुलक्कड़ लड़की, तुम्हें मालूम नहीं हमारा 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया था, तुम्हें याद नहीं क्या। एलिस कहती है नहीं, ये झूठ है। स्कूल गर्ल्स आके उसे बताती है कि थॉमस की न्यू गर्लफ्रेंड ये लड़की है, तुम जाओ यहाँ से। ये सुन के एलिस रोने लगती है। स्कूल गर्ल्स उसे बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी एसन आके उसे सेव करता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। एलिस को चोट लगी हुई है, एसन उसे पिगी बैक राइड देता है और वो थॉमस से कहता है कि तुम एलिस को ठुकरा के पछताओगे। स्कूल गर्ल्स एलिस को हैंडसम एसन के साथ देख के जेलस होती है। एसन पिगी बैक राइड दे के एलिस को घर पहुंचाता है। जीएम एसन से उसका नाम पूछती है। वो बताता है कि मैं रिसेंटली ट्रांसफर होके आया हूँ स्कूल में। एलिस उसे थैंक्स बोलती है। जीएम एलिस से कहती है कि तुम्हें तो कल सबको भूल जाना है, तुम्हारी याददाश्त 24 घंटे की है। दरअसल एलिस जब सो जाती है तो वो सारा कुछ भूल जाती है, पर ये बात एसन को पता नहीं। घर पहुँच के एलिस एसन के बारे में सब कुछ अपनी डायरी में लिखती है। जीएम उसे कहती है कि अब से वो लड़का तुम्हें पिगी बैग राइड दे के घर पहुँचाया करेगा, इससे तो उसे बहुत तकलीफ होगी, वो भी कहां फंस गया तुम्हारे साथ। ये सुन के एलिस फिर से रोने लगती है। जीएम कहती है सारा दिन तो रो लिया, प्लीज अब मत रो, कुछ आंसू बचा के रखो। रात को एलिस अपनी डायरी में आज के दिन के होने वाले वाकयात लिखती है। एलिस की हेल्प तो एसन कर रहा था, पर पता नहीं क्यों वो जैसन की पिक्चर देख के मुस्कुराती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस असाइनमेंट स्कूल लाना भूल जाती है, जिसके बाद टीचर उसे डांटता है। स्कूल में कुछ लड़कियां भी हैं जो एलिस से जलती हैं, वो इस वजह से क्योंकि एसन और जैसन एलिस के करीब हैं। एलिस स्कूल में एक जगह उदास बैठी हुई है। वो सोचती है कि मैं इस हालत में कैसे पढ़ सकती हूँ जबकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तभी एसन आता है और उससे बातें करके उसका मूड सही करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम तो याद है ना।
एरसन अपनी आईडी उसे देता है ताकि उसे याद रहे कि मैं कौन हूँ। वो उसे कहता है कि अब के बार भूलना मत मेरा नाम। नेक्स्ट डे एलिस को किसी की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम वही हो ना जिसे याददाश्त का मसला है, उठो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है तुम्हें। एलिस पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं एस्टन हूँ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। एलिस जब उसे विंडो से देखती है तो शर्माती है। स्कूल वैन में एलिस और एस्टन दोनों म्यूजिक एंजॉय करते हैं। उसी दौरान एलिस कुछ देर के लिए सो जाती है। जब वो उठती है तो वो एस्टन से पूछती है कि तुम कौन हो, मैं यहाँ क्यों हूँ। एलिस फिर से रोने लगती है। गर्ल्स एस्टन से कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं, ये लड़की सोने के बाद सब कुछ भूल जाती है, तुमने इसे सोने क्यों दिया। जब वैन का डोर ओपन होता है तो तभी जैसन एलिस की तरफ हाथ बढ़ाता है। एलिस उसे देख के खुश होती है, शायद वो उसे लाइक करती है। ये देख के एसन थोड़ा सा जेलस होता है। तभी एक बॉय कहता है कि ये क्या हो रहा है, अभी तो ये लड़की एसन के साथ थी, वैन से नीचे उतरते ही इसने बॉयफ्रेंड चेंज कर दिया, वाह क्या बात है। स्कूल में हर कोई एलिस का बिहेवियर देख के सोचता है क्या ये लड़की वाकई में शॉर्ट टर्म मेमोरी पेशेंट है या नाटक कर रही है। एस्टन एलिस के पीछे पीछे है, वो उसे फॉलो कर रहा है। तीनों साथ साथ जा रहे हैं। एलिस को मालूम होता है कि जैसन और एस्टन तो आपस में कजन्स हैं। जैसन एलिस को गुड बाय कह के क्लास में चला जाता है, जिसके बाद एलिस कहती है कि कितना अच्छा लड़का है, मुझे हर टाइम हंसाता है। जैसन उसे कहता है कि तुम उसे तो पहचान रही हो, मुझे क्यों नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। एलिस उसका नाम नहीं बता पाती है। एसन उसे कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मैं याद रहूं। एलिस एस्टन से कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। जब वो टॉयलेट से वापस आती है तो वो अपनी डायरी वहीं पे भूल जाती है। डायरी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से वो सबको पहचान पाती है। एक जेलस लड़की जिसका नाम पैटी है, जब वो वहाँ पर आती है तो वो डायरी को अपने साथ ले जाती है। क्लास में जब एलिस अपनी डायरी देखती है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती है, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है। डायरी खो जाने के बाद एलिस टेंशन में आ जाती है। वो सबसे पूछने लगती है डायरी के बारे में, पर किसी के पास नहीं है उसकी डायरी। दूसरी तरफ जेलस गर्ल पैटी डायरी अपने साथ रख के उसे स्कूल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की मदद से सब स्कूल वालों से कहती है कि आज मैं ऐसी लड़की के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ जो अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रही है। ये लड़की अजीब है, उसकी डायरी मेरे सामने पड़ी है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्लास में मौजूद एसन जब ये सुनता है तो भागता है ताकि वो उस लड़की को रोके। ब्रॉडकास्ट सुन के एलिस घबरा जाती है और यहीं पे इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। इसके टोटल 5 एपिसोड्स हैं। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।